भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल के दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने भोपाल में नवनिर्मित भाजपा के प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन किया और इसके बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। और इसी दौरान भाजपा ने कांग्रेस और बसपा पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की बड़ी नेता मोना सुल्तानी आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई और वहीं बसपा नेता ऊषा चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। और इसी के साथ कुछ महीने पहले बीजेपी से निष्कासित हुए प्रीतम लोधी की भी बीजेपी में घर वापसी हुई है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया आदि नेता उपस्थित रहे। ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट, शाबाश। मुख्यमंत्री जी लगाएंगे। ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट। राजनीतिक नेतृत्व करने वाले ऐसे चार बड़े शख्स आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय प्रीतम लोधी जी, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत करें और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, साथ में ही राजगढ़ जिले की दमदार नेत्री और जिनको कहा जाता है कि सुस्तानी गांव और महिलाओं के क्षेत्र में जिन्होंने व्यापक काम किया है, ऐसी हमारी बहन मोना सुस्तानी जी को भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के आज परिवार में एक ऐसे महिला नेत्री जिन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया है, अनुसूचित जाति समाज के एक आधार स्तंभ के तौर पर बिंदु के क्षेत्र में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसी आदरणीय ऊषा चौधरी जी आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रीतम भाई, प्रीतम भाई,